हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हाउ टू ड्रॉ अ होम इन वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमेशा की तरह सीट हमारी होगी कार्ट्रेज, उसके बाद हमें ले लेंगे मेजरिंग स्केल अपनी लाइनों के लिए। तो स्टार्टिंग हम करेंगे दोस्तों अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं लाइन थोड़ा सा नीचे की तरफ ही ले रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। HB पेंसिल मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेने के बाद अब आप अपनी वर्टिकल लाइन बना लीजिए सेंटर में, इस तरीके से, ये देखिए। अब इसके बाद अपनी वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें बनानी दोस्तों शुरू कर लीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें आपकी हेल्प करती हैं बहुत ज़्यादा आपकी कॉम्पोजिशन को बैलेंस रखने में। तो इस तरीके से हम जो अपनी हेल्पिंग लाइन्स दोस्तों बनाते हुए चलेंगे, ये देखिए। अब हेल्पिंग लाइन्स बन जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का गेटअप रेडी हो जाएगा, और इसके अंदर हमें अपना जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है या जो भी सीन हमें बनाना है वो हम बनाना शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग में कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ मैं बेसिकली एक सिंपल सा घर बनाने वाला हूँ फ्रंट से। उसमें बहुत ज़्यादा हम फैंसी चीज़ें नहीं ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ हम समझेंगे कि कैसे कोई भी एक सिंपल घर आप सामने से बना सकते हैं। तो ये देखिए, पहले मैं एक बॉक्स से ही शुरू करूँगा, यानी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स। शीट को हम इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं अपनी लाइन को बैलेंस रखने के लिए। तो ये देखिए, आप इस तरीके से अपनी लाइनें पहले बना लीजिए। कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, आपको याद होगा मैं हमेशा जैसे अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, पर्सपेक्टिव वीडियोस में, कि आपको बेसिक शेप से ही पहले शुरू करना चाहिए। तो पहले हम दोस्तों अपनी बेसिक शेप के अकॉर्डिंग अपना एक स्ट्रक्चर यहाँ पर रेडी करेंगे, एंड देन उसके बाद उसमें सारी चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर इतना ऐड कर लेने के बाद अब यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। जैसे कि एक घर के ऊपर हम क्या देख सकते हैं भाई, जिस तरीके से उनकी छत बाहर की तरफ निकली हुई होती है, तो ये हमारी एक्स्ट्रा हमने चीज़ बाहर निकाल ली है, ये देखिए। ये ऐड कर लेने के बाद अब यहाँ नीचे भी मैं जो है कुछ इस तरीके से बनाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, प्लस आप किस शेप को आपको यूज़ करना चाहिए? तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे पर्सपेक्टिव वाली प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं कि कैसे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए पर्सपेक्टिव में, और क्या शेप हमें यूज़ करनी चाहिए। तो ये देखिए, आप इस तरीके से पहले अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर आप पेंसिल से रेडी कर लीजिए, और पेंसिल से बेसिक स्ट्रक्चर हम जितना जो है अपना अच्छा कर लेंगे, उसके बाद हम उसको पेन से करना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब इस तरीके से अब हम यहाँ नीचे गेट के लिए लाइंस बनाना शुरू कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें बना लेने के बाद अब इसमें जो अपना देखिए मन चाहे जो आप वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। और फोर शॉर्टनिंग को कभी मत भूलिएगा, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, बेसिक शेप इन पर्सपेक्टिव, या आप कह लीजिए कि फोर शॉर्टनिंग, आपको हमेशा जो है ध्यान रखना है कि क्यूबॉइड शेप, सिलेंड्रिकल शेप, ट्रायंगुलर, पिरामिड, जो भी आपको चीज़ लेनी है, पहले आप अपने ऑब्जेक्ट को देखिए वो किस शेप में, देन उसके बाद उसको वैसा बनाइए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से, यहाँ मैंने एक खाली स्पेस दिखा दिया है बेसिकली स्विमिंग पूल के लिए, तो ये मैंने खाली इस तरीके से दिखा दिया है। अब ये सारी चीज़ें देख लेने के बाद तो अब हम यहाँ पर दोस्तों देखिए, इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लेने के बाद इसमें हम जो है ब्रश पेन से, मैं जो है यहाँ पर इसको एडिटिंग करने वाला हूँ। ये मेरा यहाँ पर ब्रश पेन है, और फ्री हैंड ही दोस्तों सारा का सारा काम हो रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कुछ लाइनें यहाँ टेढ़ी मेढ़ी आपको देखने को मिल सकती हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों कि आप चाहें तो स्केल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप फ्री हैंड भी काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं फ्री हैंड में ही सपोर्ट करूँगा आपका, क्योंकि देखिए स्केल का यूज़ जो मेरे नाटा वाले दोस्त हैं, या जिनको जो है आर्किटेक्ट फील्ड में जाना है, डिज़ाइन फील्ड में भी अलाउड हो जाता है कि आप स्केल या मेजरिंग टूल यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बट जो फ्री हैंड में विश्वास रखते हैं मेरे दोस्त, जो चाहते हैं कि अपने स्किल्स को थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो उस पर फ्री हैंड काम कर सकते हैं यहाँ। लेकिन कोई ऐसी कहावत वाली बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं स्ट्रिक्टली, बट लेकिन आपको अगर अपनी फ्री हैंड स्केचिंग इम्प्रूव करनी है तो दोस्तों आप जो है फ्री हैंड ही काम करें। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम जो है इसमें सारा का सारा एडिटिंग पेन से करना शुरू कर देंगे।
तो यहाँ दोस्तों देखिए हमारे पास हमारी कंपोजिशन रेडी हो चुकी है। सो आई होप दोस्तों आपको ये कंपोजिशन अच्छे से समझ में आई हो। कंपोजिशन अगर आप दोस्तों आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।